हमारी सांस भी लाई पानी, बोलो सर, हमारी सांस भी लाई, उनकी सांस भी लाई पानी। पानी के लिए धूप में भी जाओ, 2 बजे भी जाओ, 3 बजे भी जाओ, पानी कम हो गया और जाओ, पति देव को बोलते जाओ पानी लाओ, तो बोले धूप पड़ रही है, हमको तो जाना ही पड़ता, पानी की चिंता तो लेडीज को ज्यादा रहती है। मेरा नाम उर्मिला डुडवे है। हम सुविधा संस्था में काम करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं। बहुत दूर जाते थे हम पानी लेने, बाहर जाते थे सुबह से उठ के 5:30 बजे पानी का घड़ा भी लेके जाते थे, लैट्रिन का डब्बा भी लेके जाते थे, जहाँ पे मोटर चलती थी वहीं चले जाते थे, वहीं भीड़ लग जाती थी, हमको जहाँ जाए वहाँ चिल्ला देते, यहाँ मत आना, हमारे खेत में पानी नहीं जाता है, हम फसल कैसे बड़ी करेंगे। वहीं पानी भी भर के लाते, फिर आके हम काम करते थे, पानी का तो सब काम पड़ता है, बर्तन काम धोना, कपड़े धोना, चाय में भी, रोटी में भी, सब में काम आता पानी तो, गाय को भी बकरी को भी सबको पिलाने में आता है। हमने मांग की थी कि हमारे गांव में पानी नहीं है, सुविधा संस्था ने बोला हाँ हम कर देंगे पानी की व्यवस्था, तो हमारी व्यवस्था कर दी सुविधा संस्था ने। हम तो उनको अच्छा भगवान की तरह मानेंगे कि हमारे गांव में अच्छी सुविधा कर दी, अब हमको पानी का टेंशन नहीं है, अब जल्दी उठना भी नहीं पड़ता है, हमको पानी का टेंशन रहता था तो हम जल्दी उठ के जाते थे पानी के लिए, शांति हमको, अब जल्दी भी नहीं उठना पड़ता है, अब इतनी टेंशन नहीं, पानी पास में है तो जब जाएं जब मिल जाएगा, रात में जाओ तो रात में भी, सोलर प्लेट लगा दी है ये सुविधा संस्था ने हमको, तो उजाला ही उजाला रहता है, आ जाते रहे 9 बजे यहाँ पे, अब टाइम मिल जाता हमको, पहले नहीं मिलता था, अब पानी लाते तो देर हो जाती थी, अब हम यहाँ भी कमा सकते हैं ना, जल्दी काम करके खेत में भी थोड़ा बहुत करके आ जाते थे। अब ऐसे तो हम बाहर कभी मजदूर करने जाते थे, अब हमारे गांव में घर में फैक्ट्री खुल जाएगी तो हम यही काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ना, बाहर जाएंगे तो देर होगी, कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे, अब यही काम करो और थोड़ी देर में घर चले जाओ तो काम भी हो जाता, इधर भी फायदा होता ना, घर भी फायदा होता, करेंगे ना सर काम, हम तो यहाँ का अच्छा चलेगा तो करेंगे काम, और ऐसे भी कोशिश तो करेंगे, बेचने की भी कोशिश करेंगे, और बना तो लेते हैं, जब सब सीख गया ना, मोबाइल में देखा था ना कहीं जगह देखा था, फिर भी हमने 2 दिन में वो भैया आए थे सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो सावन भैया आए थे, तो पहली बार में मैं ही बैठी मशीन पर, और एक दिन में दूसरे दिन में तो हम सीख गए, मैं सीखी फिर दूसरी बहन को भी सिखा दी, वो भी सीख गई, और तीसरी बहन के ऐसे करके हम 12 जन काम करते हैं। अगर ये अगरबत्ती बिकने लग जाएगी ना सर, तो हम ज़्यादा बना देंगे, इसलिए हमें सोचते हैं कि अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों में हमारी अगरबत्ती बिके और आगे बढ़े हम, और बच्चों को भी अच्छे पढ़ाए, अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो वो भी फैक्ट्री में काम करने लग जाएगा तो वो भी काम करेगा, बहू आएगी तो वो भी करेगी, जब हमारे गांव में है तो क्यों नहीं करेगी बहू काम।